आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर बैटरी सेवर सेटिंग्स को इनेबल कैसे करेंगे। गाइस अगर आपकी भी बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन हो रही है तो आप उसके पावर को सेव कर सकते हैं। आपके फोन के अंदर एक सेटिंग्स होती है बैटरी सेवर, जिसको आप इनेबल करके अपनी बैटरी पावर को बचा सकते हैं। बैटरी का जस्ट आप इस बैटरी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर टोटली आप बैटरी के जितने भी अबाउट पॉइंट्स है सबको देख सकते हो, लाइक बैटरी कितने परसेंटेज है, कितनी देर चलेगी, ये चीजें तो यहाँ पर प्रेडिक्शन करके ये जो ऑप्शन है वो आपको दिखा रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि एक दिन से ज्यादा, कितना भी फोन एक्सपेंसिव क्यों ना हो, बैटरी उससे ज्यादा नहीं चल सकती। डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो। अभी हम इसमें बात करते हैं बैटरी सेवर के लिए। अभी देखो इसके अंदर एक सेटिंग्स मिलेगी बैटरी सेवर, और इसको आप यहां से इनेबल करेंगे तो आपके फोन के अंदर जो है डार्क थीम एक्टिवेट हो जाता है। जनरली क्या होता है कि डार्क मोड का भी एक सेटिंग्स होता है, बट बैटरी सेवर को भी ऑन करोगे तो डार्क मोड इनेबल हो जाएगा, क्योंकि डार्क मोड पे बैटरी का कंजप्शन कम होता है, तो इसलिए डार्क थीम एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें एक ऑप्शन होगा बैटरी लेवल, जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो बैटरी लेवल का ऑप्शन यहाँ पर शो करता है, इसको प्रेस करना। अब इसमें एक बार देखेंगे तो इसके अंदर जो सेटिंग्स होती है लेवल सेट कर सकते हो। लेवल मींस कि अगर देखेंगे तो इस तरीके से बैटरी सेवर ऑटोमेटेड टर्न ऑन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर 20% यूज करते हैं तो 20% जैसे ही बैटरी आपकी आती है आपके फोन के अंदर बैटरी सेवर इनेबल हो जाएगा। एंड और भी ऑप्शन है, आप इन सबको चेक मार कर लेना, ये भी बैटरी पावर को सेव करने में मदद करते हैं। और कोई थर्ड पार्टी एप्स नहीं होती जो बैटरी पावर को बचाएगी। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ, उसको भी एक्सेस कर सकते हो। एप्स आर रनिंग का एक सेटिंग्स है, इसको प्रेस करना। इसमें आएंगे जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रन करते हैं वो शो हो जाएंगे, इवन आपने उसको एक्सेस कितनी देर किया वो सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को छोड़ देते हो जो चलते हुए, वो भी नोटिफिकेशन वगैरह को एक्सेस करती है तो वो भी बैटरी का कंजप्शन करती है, इस चीज का ध्यान भी रखें। नीचे एक ऑप्शन और मिलता है, इसको ओके करेंगे, बैटरी पावर का। इसमें होता क्या है, इसमें भी वही सेम काम करता है जिस तरह से बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करती है, नोटिफिकेशन एक्सेस करती है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अभी देखो इसमें रिस्ट्रिक्शन है बैकग्राउंड पावर यूज के लिए, तो इससे हमारे जो बैकग्राउंड में रन करेगी अगर ये एप्लीकेशन तो बैकग्राउंड से कोई भी यूज होने पर कोई भी बैटरी का कंजप्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन वगैरह एक्सेस नहीं होगी तब तक बैटरी का यूज नहीं होता। तो अगर किसी का डोंट रिस्ट्रिक्टेड है तो आप सेकंड वाले को प्रेस कर लेना। वैसे नॉर्मली स्मार्ट कंट्रोल के अंदर होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैटरी पावर को ही इनेबल कर लीजिए, आप बैटरी लाइफ बचा सकते हो। वो भी इमरजेंसी सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि 10-20 दिन 50 दिन चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। इमरजेंसी टाइम में आप जो है नॉर्मली 30 मिनट और 1 आवर्स का बैकअप ले सकते हैं अपने बैटरी सेवर सेटिंग को इनेबल करके।